मिस्टर झा एंड मिसेस झा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पपीता का भजिया। यह भजिया बहुत ही टेस्टी बनता है, देखिए, और बहुत ही आसान है बनाना। जैसे प्याज का भजिया खा के आप बोर हो गए हैं, चाहे आपके यहाँ प्याज का भजिया नहीं बनता है, तब आप बनाइए पपीते का भजिया। पहले हम ये पपीता को अच्छे से छील लेंगे। सावधानी से छीलिएगा, आप जिससे आलू छीलते हैं उससे भी छील सकते हैं, ये बहुत ही आसान है छीलना। सारे पपीता का हमने छिलका निकाल लिया है और उसे हम काट देंगे, क्योंकि इसको हमें कद्दूकस करना है। इसे बिना काटे भी हम कद्दूकस कर सकते थे, लेकिन उसका हमने चार टुकड़ा कर लिया है। अब देखिए, इसे हमें कद्दूकस करने में बहुत ही आसानी रहेगी। सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि इसमें हाथ में भी लगने का डर रहता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए और लाइक कीजिए। यह पपीता आपका कद्दूकस हो गया है। अब चलिए अगले प्रोसेस में। हमने पपीता को पहले धो लिया था, अब इसमें हम पानी से निकाल के इसमें सब मसाला डालेंगे। हमने एक स्पून हल्दी लिया है, मिर्ची, गरम मसाला और अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। इसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हम बारीक कटा धनिया, जितना आपको तीखा लगे, 4 से 5 हमने हरी मिर्च और धनिया काट के इसमें डाल दिया है। और इसमें चावल का आटा डालेंगे। यह चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी बनता है और क्रिस्पी बनता है। बेसन का तो आप हर चीज में डाल सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से यह बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। यह पपीता को हमने धोया था, इसमें इस पानी वैसे ही होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम चावल का आटा डाल के इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। नमक हम लास्ट में ही डालते हैं ताकि कम ज्यादा ना हो जाए। यह देखिए, अब ये हमारा भजिया बनने को एकदम तैयार है। अब हमने एक साइड कढ़ाई में तेल रख दिया था गरम होने को। कोई भी तेल से बनाइए, हम राई तेल से बना रहे हैं। यह भजिया बहुत ही टेस्टी बनता है, एक बार आप बनाइए तो जरूर दोबारा बनाएंगे। अब यह नीचे से गोल्डन ब्राउन सा होने लगा है, इसे हम पलट देंगे। इसके साथ आप तीखी चटनी चाहे मीठी चटनी, जिसको जैसे पसंद हो, और हरी मिर्ची के साथ भी खा सकते हैं। आपके घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो झटपट बना सकते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है ये बनाने में। अब ये पपीता का भजिया तैयार है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही क्रिस्पी बना है, बिल्कुल ऑयल नहीं है इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह हमने पपीता से भजिया तैयार किया है। पपीता यानी कि बिहार के मिथिला में इसे अरनेवा कहा जाता है। ये काफ़ी डाइजेशन के लिए हेल्दी फूड माना गया है। ये आप अपने घर में जरूर ट्राई करें, और आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करे, और लाइक और कमेंट जरूर करें। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने घर में जरूर ट्राई करें। दोस्तों, ये रेसिपी हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्दी है, और ये डाइजेशन के अगर जिसे प्रॉब्लम है उन्हें तो ये दवा का काम करेगा। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।